हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ गाइड। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बेसिक को ही फिर से, उसी पोर्शन को हम कंटिन्यू करेंगे। ये भी इंट्रोडक्शन पार्ट ही है प्रोबेबिलिटी का, राइट? और इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी को वेन डायग्राम के थ्रू, जिसमें हम यूनियन और इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं एडिशन थ्योरम, तो वो भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होती हैं प्रोबेबिलिटी की, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, राइट? तो व्हाट इज द फर्स्ट एग्जाम? हम बोल सकते हैं ऐसा है कि ये सारी एग्जाम्स ऐसी हैं जो प्रोबेबिलिटी का बेसिक है, या इन पर पूरी प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। तो फर्स्ट वन इज, वी ऑल नो प्रोबेबिलिटी इज लाई बिटवीन 0 to 1। हम सब अच्छे से जानते हैं, हम क्लास 10th या 12th से देखते आ रहे हैं, बेसिक है बिल्कुल प्रोबेबिलिटी का, कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। मीन्स प्रोबेबिलिटी ना तो 0 से कम होगी ना 1 से ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, राइट? इसी के साथ आप एक चीज़ और इसमें देख सकते हैं, अगर कोई भी इवेंट प्रोबेबिलिटी 0 बताता है, या अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब वो इवेंट कैसा हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट। इफ फॉर एनी इवेंट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट। लेकिन अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो हम बोलेंगे दैट इवेंट इज वॉट? श्योर इवेंट। इफ फॉर एनी इवेंट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, इट मीन्स दैट इवेंट इज वॉट? श्योर इवेंट, राइट? तो दो हम यहाँ से कंक्लूजन पे आए हैं कि प्रोबेबिलिटी ना तो 0 से कम होगी ना 1 से ज़्यादा होगी, और अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, इसका मतलब श्योर है कि वो प्रोबेबिलिटी, जिस इवेंट की 0 हो रही है, वो इवेंट कैसा हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1 हुई, इसका मतलब वो श्योर इवेंट है, राइट? इसी के अलावा एक एग्जाम और होता है जो जनरल हम जानते हैं, कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस की फाइंड आउट करनी है, तो सैंपल स्पेस की टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया कॉइन का। अब कॉइन में क्या हो गया? कॉइन में हेड और टेल है, मतलब सैंपल स्पेस इसका क्या हो गया? हेड और टेल हो गया। तो इस सैंपल स्पेस के लिए ये श्योर है कि एट ए टाइम एक इवेंट ही होगा, तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 बनेगी, राइट? फॉर डाइस ऑल्सो, आप कोई भी नंबर ले लीजिए डाइस के अंदर, अगर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी करनी है तो वो हमेशा 1 बनेगी। तो प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी सैंपल स्पेस की हमेशा क्या होती है? 1 होती है, राइट? तो दीज आर द टू बेसिक एग्जाम जिन पे हमारा प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट है, राइट? यहाँ आप ऐसा भी बोल सकते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में अगर आप बोलना चाहें, तो यू कैन से कि प्रोबेबिलिटी इज लाई बिटवीन 0% to 100%, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट? और अगर नंबर में बोलना चाहें तो 0 to 1, ओके? नाउ अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी यूजिंग वेन। द प्रोबेबिलिटी बाई यूजिंग वेन डायग्राम, सबसे पहले बात करें सिंपल वेन डायग्राम के अंदर, अगर हमारे पास एक सैंपल स्पेस है और सैंपल स्पेस के अंदर मुझे प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट ए की फाइंड आउट करनी है, देन ये जो ब्लू से मार्क है, ये तो टोटल हमारा सैंपल स्पेस है। इस सैंपल स्पेस के अंदर एक इवेंट ए है जिसकी प्रोबेबिलिटी, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो आप सिंपल सैंपल स्पेस के अंदर अगर किसी एक इवेंट को डिनोट करना है तो ऐसे करेंगे, या फिर अगर आपको सैंपल स्पेस के अंदर किसी और इवेंट बी को भी डिनोट करना है तो ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 इवेंट के लिए डिस्कस कर रही हूँ, इवेंट ए और इवेंट बी, तो दोनों अलग अलग इवेंट है। सैंपल स्पेस के अंदर अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी इवेंट ए की, तो ये जो रेड वाला पोर्शन है, रेड शेडेड पोर्शन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये जो ब्लू शेडेड पोर्शन है, दैट इज सैंपल स्पेस, राइट? इन द सेम केस अगेन हियर, रेड शेडेड पोर्शन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड द ब्लू शेडेड पोर्शन इज द टोटल सैंपल स्पेस, राइट? अब बात करें, अभी हमने बात किया प्रोबेबिलिटी ए इवेंट की और प्रोबेबिलिटी बी इवेंट की। अब अगर मुझे ये पता करना है, हम जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे पिछले वीडियो के अंदर, कि अगर प्रोबेबिलिटी आपको किसी इवेंट ए की निकालनी है या हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनेगा। लेकिन अगर आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, इट मीन्स क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग या नॉट हैविंग दैट इवेंट, राइट? तो सेम केस यहाँ होने वाला है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग ए,
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग इवेंट ए, तो क्या बन जाएगा, ये जो पूरा ब्लू से शेडेड पोर्शन है ये हमारा सैंपल स्पेस है, अगर इस पूरे सैंपल स्पेस में से हम ये जो रेड शेडेड पोर्शन है इसको हटा देंगे या माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वो वाली प्रोबेबिलिटी मिल जाएंगी जो ए वाली नहीं है। तो ये जो आपको ब्लैंक दिख रहा है ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, इस पूरे मतलब हमने इस ब्लैंक वाले पोर्शन को, मीन्स आप ऐसा बोल सकते हैं इस रेड वाले पोर्शन को हमने टोटल में से माइनस कर दिया, तो अब ये जो शेडेड वाला पोर्शन आ रहा है कौन सा, ब्लू वाला, वो क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, राइट। आप ऐसा बोल सकते हैं ए डैश या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बोल सकते हैं, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या करना है, इस टोटल सैंपल स्पेस में से आप जो आपका रिक्वायर्ड है इवेंट उस इवेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे यही किया, टोटल मेरा सैंपल स्पेस था उसमें से मैंने इस शेडेड रेड वाले पोर्शन को हटा दिया, तो ये जो रिमेनिंग ब्लू वाला रह गया वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बन गया किसका, ए का। आप ऐसा बोल सकते हैं दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग इवेंट ए। नाउ इन द सेम केस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग बी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस वाले इवेंट में से, इस टोटल इवेंट में से इस रेड वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो आपके पास ये ब्लैंक हो गया, यहां पे हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, ये सारे ब्लू शेडेड पोर्शन को, तो ये ब्लू शेडेड पोर्शन क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग बी, राइट। तो ये दो बेसिक हैं जिसको आप कॉम्प्लीमेंट्री के लिए भी बोल सकते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, पी बी बार भी बोल सकते हैं, पी बी कॉम्प्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं, या फिर पी बी डैश भी बोल सकते हैं, दीज आर द सेम थिंग, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वेन डायग्राम से अगर आपको शो करना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है ऑलरेडी पिछले लेसन में, पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें फिर से, तो व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इफ टू इवेंट्स आर या इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स इज जीरो, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर दो इवेंट हो रहे हैं तो उन दोनों का एक दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इवेंट ए हो रहा है तो वो इवेंट बी नहीं होगा, और अगर इवेंट बी हो रहा है तो इवेंट ए नहीं होगा। तो यहाँ आप क्लियर देख सकते हो, ए और बी का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास में है, तो अगर मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लूँगी तो डेफिनेटली वो क्या बनने वाला है, फाइव बनने वाला है, राइट। तो इनका सैंपल स्पेस तो कॉमन है, लेकिन क्या हुआ, इवेंट ए और इवेंट बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी उनमें इंटरसेक्शन हमेशा क्या बनेगा, फाइव बनेगा या जीरो बनेगा, तो इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है कभी भी, राइट। तो ये बन गया आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसके लिए, ए और बी के लिए, राइट। चलिए अब कुछ और अच्छे वेन डायग्राम से डिस्कस करते हैं। The next one is if we want to show both A and B by Venn diagram, तो कैसे बनेगा, ये हमारा सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में दो इवेंट है A और B, और आपको चाहिए both A and B, means A and B दोनों आपको चाहिए, तो ये आपका इवेंट A है, ये आपका इवेंट B है, इस इवेंट A और B का जो कॉमन पोर्शन होगा, मीन्स हम बोल सकते हैं दिस इज द इंटरसेक्शन पोर्शन both A and B, ये A भी और B भी है, तो हमने ये वाला जो कॉमन पोर्शन लिया है जो ब्लू से शेड है, that is both A and B, right? ये denote करेगा both A and B को। अब अगर आपको ऐसा बोले कि इस both A and B में से, या ये जो given है, इसमें से आपको only A चाहिए, या only B आपकी requirement है, तो only A और only B की बात करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो हमारे पास में A intersection B दिखाई दे रहा है आपको students, आप इसमें क्या करें? आपको बोल रहा है only A, राइट तो ओनली ए, तो ओनली ए वाले केस में आप इस बी वाले पोर्शन को हटा दीजिए पूरा, तो अगर आपने ये जो बी वाला पोर्शन हटा दिया और उसी के साथ जो कॉमन पोर्शन था वो भी हटा दिया, तो ये जो रिमेनिंग वाला पोर्शन आपका रह गया, ये रिमेनिंग वाला पोर्शन क्या बन गया आपका, ओनली ए। ओनली ए मीन्स हमारा जो टोटल था उसमें से हमने ए इंटरसेक्शन बी बार ले लिया, बी बार या बी डैश आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो टोटल में से मैंने क्या किया, बी वाले पोर्शन को माइनस कर दिया, इस बी वाले पोर्शन में ये इंटरसेक्शन भी इंक्लूड है, राइट। तो दिस इज P या प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, या जिसको हम बोलते हैं ओनली A। नाउ ऑन द सेम बेसिस अगर आपको ओनली B बनाना है, तो अभी जो हमारे पास बना हुआ था उस वाले पोर्शन में से आप क्या करेंगे, A वाले पोर्शन को हटा देंगे, तो A वाले पोर्शन को हटाने के साथ साथ आपको कॉमन पोर्शन को भी हटाना होगा, तो इस A वाले पोर्शन और कॉमन वाले पोर्शन को हटा दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ओनली B वाला कॉन्सेप्ट या प्रोबेबिलिटी ऑफ B बन गया। कैसे बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आप इसके लिए देखेंगे तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A डैश,
राइट right? तो हमने इस टोटल में से इस सैंपल स्पेस में से किसको हटा दिया, ए को हटा दिया, तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश। राइट, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइदर ए और बी और नीदर ए नॉर बी। तो आइदर ए और बी की बात करें तो इसका मतलब ये हमारा सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस में से मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। जब हम बोलते हैं आइदर ए और बी, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की। जब हम बात करते हैं बोथ ए एंड बी, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। राइट, तो जब हम बात करेंगे आइदर और की, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट यूनियन, एंड जब हम बात करेंगे बोथ ए एंड बी की, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट, इंटरसेक्शन। राइट, तो ये बनने वाला है आइदर ए और बी, ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस से मैंने अगर ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है ये बन गया आपका आइदर ए और बी, इट मीन्स इट इज ए यूनियन बी। अगर आपको बोले कि नहीं मुझे तो ऐसा चाहिए जिसमें नीदर ए नॉर बी, ना ए आए ना बी आए, तो क्या बनने वाला है नीदर ए नॉर बी, तो टोटल हमारा जो सैंपल स्पेस है उसमें से इस ए यूनियन बी वाले पोर्शन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो पूरे सैंपल स्पेस में से हम ए यूनियन बी वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नीदर ए नॉर बी, या हम इसको बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश, या प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बार। यू कैन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बार। ठीक है, तो बार भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, या डैश भी हो सकता है, ये कौन सा केस है, नीदर ए नॉर बी। तो हमने देखा प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग वेन डायग्राम, ये 9 हमने टाइप देखे हैं जिसमें वेन डायग्राम से आप प्रोबेबिलिटी को शो कर सकते हैं। ओके, अब बात करें इन्हीं को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मींस इन्हीं को जो भी हमने डायग्राम में समझा है उन्हीं को अगर हम यूनियन इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। This is only for two events A and B. अभी हम सिर्फ दो इवेंट की ही बात कर रहे हैं A and B. तो if you want to show either A or B, अगर आपको show करना है either A or B, it means आपको क्या find out करना है, probability of A union B. Means अगर आपको both A and B find out करना है तो क्या बन जाएगा, probability of A intersection B. ये अभी हमने discuss किया, it is very important. Generally क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं जब हम flow में होते हैं question करने में, हम भूल जाते हैं कि either or वाला केस क्या है और both वाला केस क्या है। तो please आप इसको ध्यान रखें, जब कभी भी आपको आइदर और की बात की जाएगी इट मीन्स आपको यूनियन फाइंड आउट करना है, जब कभी भी बोथ इवेंट्स की बात की जाएगी इट मीन्स आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। राइट, तो आइदर और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये बन जाएगा आइदर ए और बी, बोथ ए एंड बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बात करें नीदर ए नॉर बी, ना ए चाहिए ना बी चाहिए, तो ये क्या बन सकता है, ये बन सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मीन्स ए भी नहीं चाहिए और बी भी नहीं चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और यू कैन राइट इट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश, जो भी हमने वेन डायग्राम के थ्रू देखा था। अगर ए यूनियन बी का डैश है तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि टोटल में से जो आपका सैंपल स्पेस है उसमें से आप ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वही काम हमने यहां पे किया है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बन जाएगा, तो ये क्या बन गया, नीदर ए नॉर बी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब बात करें ओनली ए मीन्स आपके पास जो बन रहा है सैंपल स्पेस उसमें से आप बी वाले पोर्शन को हटा देंगे, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश मीन्स ए वाले में से बी वाला पोर्शन आपने हटा दिया, तो इसको आप बोलेंगे ओनली ए। ओनली ए ऐसा भी लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी जो ए की है उसमें से आपने क्या किया, उन दोनों के कॉमन वाले पोर्शन को हटा दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हट गया। राइट, अब बात करें ओनली बी, तो सेम थिंग, ओनली बी बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, मींस बी वाला जो आपका पोर्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है उसमें से आप क्या कर देंगे, बी इंटरसेक्शन ए को हटा देंगे। तो दीज आर द 5 टर्म्स जो भी हमने वेन डायग्राम के थ्रू देखी, और इसी को भी हमने किससे देख रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में देख रहे हैं। अब बात करते हैं देयर आर टू थ्योरम्स, या आप ऐसा बोल सकते हैं एडिशनल थ्योरम होती है किसके अंदर, प्रोबेबिलिटी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन चेक एडिशन थ्योरम फॉर 2 इवेंट्स एज वेल एज फॉर 3 इवेंट्स। राइट, तो एडिशन थ्योरम की बात कर लेते हैं अब हम, एडिशन थ्योरम फॉर प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम क्या बन जाएगी, एडिशन थ्योरम मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. ये कब होगा? व्हेन ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. व्हेन ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. व्हाई? बिकॉज अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए तो इनका इंटरसेक्शन तो जीरो बन जाएगा, फाइव बन जाएगा, तो उस केस में ये वाली टर्म नहीं रहेगी. तो अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इसका मतलब उनमें कोई ना कोई चीज कॉमन डेफिनेटली है, तभी उनका इंटरसेक्शन लाई करेगा. लेकिन इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो क्या बनने वाला है स्टूडेंट्स? तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली. और ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है वो हटके क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा. तो ये अभी हमने देखा टू इवेंट्स के लिए. ये सेम एडिशन थ्योरम किसके लिए होती है? थ्री इवेंट्स के लिए भी हो सकती है. अगर यहाँ ए यूनियन बी है और इसकी जगह आपको ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है, तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज द एडिशन थ्योरम फॉर टू इवेंट्स. अब बात करते हैं एडिशन थ्योरम थ्री इवेंट की. तो अगर थ्री इवेंट होंगे तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी. अगर ए बी और सी कितने इवेंट्स हैं हमारे पास? थ्री इवेंट्स हैं. तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. कॉन्सेप्ट वही रहेगा. पहले सिंगल सिंगल आएंगे ए बी सी, फिर उसके बाद इनके कॉमन पोर्शन आएंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका. अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है तो बनने वाला है ए बी और सी. पहले सिंगल की तीनों की प्रायोरिटी ऐड कर दीजिए, उसके बाद उनके उसके अंदर जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन आ रहा है, बोथ वाला जो पोर्शन आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और एंड में जो तीनों आ रहे हैं उनको आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए. तो ये बन जाएगा माइनस प्रायोरिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रायोरिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. राइट.